नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट, मैं हूं रंजना। राज्य में गर्मी का जो पारा है वो इन दिनों चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कई जिलों में 40 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा, ड्राई रहा और कहीं भी कोई भी बारिश देखने को नहीं मिली है। और जो सबसे अधिकतम तापमान है वो 43.1 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। राज्य के उत्तर पश्चिमी जो भाग हैं, पलामू प्रमंडल खासकर और साथ साथ में गिरिडीह में कहीं कहीं पे लू की भी स्थिति देखी गई। और बात करें सिनोप्टिक फीचर के तो झारखंड में अभी निचले स्तर पर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी हवा चल रही है। और मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले आने वाले जो 5वें दिन है झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा। बारिश का भी अगले 5 दिनों में कोई आशंका नहीं जताई जा रही है। और चेतावनी की बात करें तो आज 5 तारीख में जो पलामू प्रमंडल है और साथ में गिरिडीह में कहीं कहीं पे हीटवेव की स्थिति बन सकती है। और 6 तारीख में बात करें तो गढ़वा और पलामू दो जिलों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है। तो खासकर जो झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग है वहीं पर हीटवेव की स्थिति देखने को मिल रही है। शेष भागों में अभी हीटवेव की स्थिति नहीं बन रही है। जो प्रमुख शहर है झारखंड के, वहां का पिछले 24 घंटे का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है बात करें तो रांची में 38 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 43.1 डिग्री सेल्सियस, बोकारो थर्मल में 39.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 39.8 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 41.9 डिग्री सेल्सियस और गोड्डा में 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अभी आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और 5 और 6 तारीख में जो आपको उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पे भी आपको हीटवेव की स्थिति बनती हुई दिख सकती है। शेष भाग में कोई भी चेतावनी नहीं दी जाती है। धन्यवाद। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची का भी तापमान 38 डिग्री रहा। अगले 5 दिनों में पूरे राज्य भर में मौसम के तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।